Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Knowledge Zone. Now next question in rational number chapter of 8th classes. 9th question. What number should be added to minus 5 by 8 to get minus 3 by 2? Okay? Just like normally I have asked you, 4 mein kya add kare aapko answer to 10 aayega. Okay? Ye number aapke liye question mark. Boliye aap 4 में क्या ऐड करेंगे तो आपको 10 आएगा क्या बोलेंगे आप इसलिए 6 बोलेंगे आप ओके और दूसरा नंबर ले लीजिए आप 100 में क्या ऐड करा मैं आपको तो आपको 120 आएगा क्या आएगा आपको 20 आएगा तो लाइक दिस ये क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछ रहा सेम थिंग व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ओके -5/8 को कौन सा नंबर आप ऐड करें तो आंसर आपको -3/2 आ ओके -5/8 में आपको कौन सा नंबर ऐड करें तो आपको आंसर क्या आया -3/2 तो मैथमेटिक्स में आपको मेन चीज क्या है कोई भी चीज नंबर आपको अगर मालूम करना है तो पहले आपको x सपोज करना पड़ता है ओके क्योंकि अननोन नंबर है अपने को अननोन नंबर मालूम नहीं है तो वो नंबर कौन सा है जिसे अपने को ऐड करें तो -3/2 आंसर आएगा तो वैसे नंबर को मैथमेटिक्स में जो अननोन है जिसको अपने को फाइंड आउट करना है उसे आप x y z या कुछ भी आप अल्फाबेट लिख सकते हो ओके तो अपन वो नंबर को क्या सपोज कर लेंगे लेट द नंबर बी x सपोज कर लेना ओके क्या सपोज कर लेना लेट द नंबर बी x तो -5/8 में आप कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं अननोन नहीं मालूम है आप ओके तो x ऐड कर तो आंसर क्या आएगा आपको -3/2 नाउ अब x फाइंड आउट कर लेंगे अपने ओके जो नंबर आप ऐड करने वाले हैं वो नंबर क्या है जिससे आपको आंसर -3/2 आ जो कि आपको नहीं मालूम तो आप क्या ले रहे हैं x नाउ कैसा सॉल्व करेंगे आप इसे आपको x फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू LHS में रखना x LHS में रखना और -5/8 आप RHS में लेके आना x is equals to -3/2 plus 5/8 got it x की वैल्यू फाइंड आउट करना है x LHS में रहेंगे आपका और -5/8 RHS में नाउ LCM करिए आप 2 और 8 का LCM करिए 2 8 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 as it is, 2 2s are 4, again 1 as it is, 2 1s are 2. Now LCM period 2 into 2 into 2, how much? 8 आएगा आपको. Now 8 लिख लीजिए आप, okay? LCM आर आपका 8. Now denominators में देखना है आपको, okay? याद रखिए आप कैसा करना है यहाँ पे. 2 के table में आप 8 check करना. 2 के table में 8 कब आएगा आपको? 2 4s are 8. 2 4 का 8 आएगा आपको तो सेम नंबर आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेना ओके नाउ 8 के टेबल में 8 कब आएगा आपको 1 टाइम तो यहां पे भी आप न्यूमरेटर में 1 टाइम मल्टीप्लाई कर लो नाउ मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर्स में 3 4 का 12 माइनस एज इट इज प्लस 5 ऑन द 5 नाउ साइन रूल देखना है आपको ओके डिफरेंट साइन में आपको क्या करना है माइनस प्लस है या प्लस माइनस है फर्स्ट सेपरेशन करना है ओके नेक्स्ट बिगर नंबर साइन लिखना है बिगर नंबर साइन ओके नाउ सेपरेट करिए आप सेपरेशन फर्स्ट स्टेप 12 में से 5 निकालिए आपको आएगा 7 बिगर नंबर क्या है 12 और 5 में 12 माइनस कीजिए डिवाइडेड बाय 8 तो कौन सा नंबर है आपको जो -3/2 आंसर लेके आ रहा आपको क्या है वो नंबर -7/8 क्या नंबर है आपको -7/8 ओके नाउ इसे क्वेश्चन में तो आपको प्रूफ करना नहीं है वेरीफाई करना नहीं है लेकिन आप लोगों को मैं वेरिफिकेशन भी यहां पे बता दूंगा ओके Now see here the verification. Now verification.
आपको यहां पे आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चेक कर लीजिए वेरिफिकेशन। -5/8 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, -7/8 ऐड कर, तो आपको आंसर आना -3/2। ओके सी एल सेम डिनोमिनेटर है, तो रूल क्या है, सेम डिनोमिनेटर रहा तो आप सेम डिनोमिनेटर लिखना और ऊपर के वैल्यूज आप जैसे है वैसे लिखो, -5 -7। ओके नाउ साइन रूल देखिए आप, सेम साइन, नाउ सेम साइन में आपको ऐड करना है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप सेम साइन लिखना है, पुट सेम साइन। ओके नाउ 7 + 5 कितना होता, 12 होगा, आपको ऐड के लिए सेम साइन क्या है माइनस है, आप लिखिए 8। नाउ 12 और 8 कौन से टेबल में आएंगे, आपको 2 के टेबल में भी आएंगे, 4 के, 4 के टेबल से करेंगे आप, 4 2 8, 4 3 12। सी है क्या आंसर आ रहा है आपको यहां पे -3/2, तो वेरीफाई हुआ ना हुआ आपको करेक्ट है नहीं, -7/8 आपका अननोन नंबर है, जिसे जब आप -5/8 को ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा -3/2 आएगा। ओके एग्जामिनेशन में आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस आए तो, बट अगर आप आपके सेटिस्फैक्शन के लिए आप आंसर आपका करेक्ट करें या गलत करें, सही करें या गलत करें, आपको कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके एग्जाम में भी आप प्रूफ कॉलम में इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके नाउ वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके।